तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि इसके अंदर हमें परचेज कैसे करनी है, और परचेज करने के बाद हमको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कैसे बनाना है। तो यहाँ पर अभी हमने परचेज करना सीख लिया, और जो जो हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस थी वो सभी कॉन्फ़िगरेशंस भी हमने यहाँ पर ऑन कर ली। और ऑन करने के बाद अब जो यहाँ पर है हम आगे अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर आइटम बनानी है। यहाँ पर आइटम का नाम बाबूसूट 01 है, और कह रहा है यहाँ पर जो आप आइटम बना रहे हो उसकी क्वांटिटी कितने बना रहे हो, कितने पीस आप बनाओगे यहाँ पर। तो हमने कहा हम जो यहाँ पर पीस बनाएंगे, हमने कहा हम 650 पीस बनाएंगे, और 650 पीस को बनाने में आइटम क्या लगेगी। तो कहता है कि आपने जो आइटम खरीदी थी क्लॉथ, यानी कि कपड़ा खरीदा था, कपड़े से ही गारमेंट बनता है। तो हमने कहा कपड़ा जो हमने खरीदा था क्लॉथ 01 वो लग जाएगा आपका 270 मीटर, और 270 मीटर से हमारे कितने पीस बनेंगे। कहता है कि 270 मीटर से आपके 650 पीस बनेंगे। हमने कहा तो चलो ठीक है, कपड़ा तो लग गया, कपड़े के साथ साथ कोई और भी मटेरियल लगेगा। कहता है हाँ और भी मटेरियल लगेगा। हमने कहा क्या लगेगा, तो कहता है कि वन चैन इन वन पीस, कहता है एक पीस में एक चैन भी लगेगी। तो हम पीस कितने बना रहे हैं यहाँ पर, हम 650 पीस बना रहे हैं, तो चैन कितनी लगनी चाहिए यहाँ पर, 650 ही लगेगी। उसके बाद कहता है फोर बटन इन वन पीस, एक पीस में आपके चार बटन लग रहे हैं, और पीस कितने बना रहे हैं हम, 650। तो 650 मल्टीप्लाई फोर कर देंगे तो हमारी जो निकल के आ जाएगी। अब उसके बाद कहता है वन पन्नी इन वन पीस, एक पीस में आपके एक पन्नी का भी यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। और उसके साथ साथ कहता है वन मीटर अस्तर इन फोर पीस, यानी कि आपका जो एक मीटर अस्तर है वो कितने पीस में लग रहा है, चार पीस में। तो एक पीस में कितना लगेगा हमारा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ बोला 25 सेंटीमीटर लग जाएगा। और कहता है कि भाई 1 kg रिवीट इन 20 पीस, आपने जो एक रिवीट आइटम खरीदी, रिवीट भी एक छोटा बटन होता है, तो कहता है कि आपने जो रिवीट खरीदा वो 1 kg 20 पीस में लगता है यहाँ पर। तो 650 पीस बनाने हैं हमें, तो 650 डिवाइड बाय 20 कर देंगे तो हमारी यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये शुरू करते हैं आज हम, और इसके अंदर अब हम पहले कुछ फीचर ऑप्शंस को ऑन कर लेंगे, और फीचर ऑप्शन के अंदर हम चालू करेंगे इन्वेंट्री के अंदर आकर। एक तो हम यहाँ पर चालू करेंगे अकाउंटिंग इन प्रो इन्वेंट्री वाउचर, ये अनटिक होगा, इसको टिक कर लेंगे और ओके कर देंगे। और एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद अब हम आएंगे कहाँ पर, अब हमें आना है स्टॉक जनरल के अंदर। और स्टॉक जनरल के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्टॉक जनरल के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और ऐड किया, कह रहा है क्या बनाया आपने, तो हमने कहा हमने जो आइटम बनाई है, आइटम तो हमारे बाबू सूट 01 बन रही है, लेकिन यहाँ पर इस आइटम को बनाने वाला पर्सन कौन है। तो हमने कहा भाई जो आइटम को बना रहा है उसका नाम क्या है यहाँ पर, तो हमने कहा उसका नाम है अमित कुमार। तो यहाँ पर आप देखो जो भी हम गारमेंट्स का कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर का मतलब क्या, हमने पहले कपड़ा खरीदा, फैब्रिक खरीद लिया, और फैब्रिक खरीदने के बाद उसमें क्या किया जाएगा, कटिंग करी जाएगी प्रोडक्ट की, यानी कि जो भी गारमेंट बनेगा साइज़ के हिसाब से कटिंग होगी। कटिंग के बाद क्या किया जाता है, स्टिचिंग की जाती है, स्टिचिंग के बाद वॉशिंग होती है, वॉशिंग के बाद प्रेसिंग की जाएगी, और प्रेसिंग के बाद पैकिंग होगा आपका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को पैक करने के बाद आपके गोडाउन पर उसको भेज दिया जाएगा। ये जो काम है हम क्या करवाने, अलग अलग लोगों से ये काम करवाने, यानी कि जो भी लोग इस काम को करने के लिए माहिर हैं उन लोगों से। अब आपने देखा होगा कि भाई सिलाई वाली जो फैक्ट्री होती है वो अलग होती है, वॉशिंग का प्लांट कहीं अलग लगाया जाता है यहाँ पर, और पैकिंग करने के लिए और प्रेस करने के लिए वाले लोग अलग अलग होते हैं यहाँ पर। तो यही हमें क्या करवाना है, इन सभी लोगों से एक आइटम को हमें बनवाना है। तो बनाने वाला पहला पर्सन क्या है, अमित कुमार। तो हमने यहाँ पर क्या किया, F3 बटन दबाया। यहाँ पर आप देखोगे दो चीज़ आएगी, आइटम जनरेट
और आइटम कंज्यूम। आइटम जनरेट का मतलब यहाँ पर ये है कि आइटम बनाने वाला पर्सन कौन है, और आइटम कंज्यूम का मतलब ये है कि इस आइटम को जो आप आइटम बना रहे हो ये आइटम आपकी कंज्यूम कहाँ से हो रही है। तो हमने क्या बोला, F3 बटन दबाया हमने यहाँ पर और नाम लिख दिया हमने यहाँ पर क्या, अमित कुमार। तो हमने यहाँ पर नाम लिखा अमित कुमार और इसके अंडर ग्रुप में डाला हमने यहाँ पर प्रोडक्शन फ्लोर। प्रोडक्शन फ्लोर का मतलब होता है यहाँ पर कि कोई भी आइटम को बनाया जा रहा है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यस कर दिया काउंटिंग इन स्टॉक ट्रांसफ़र यस, यानी कि जब भी हम अकाउंट स्टॉक ट्रांसफ़र करें तो उसके लिए क्या हो जाए, काउंटिंग यस हो जाए। और अब हमने यहाँ पर F3 बटन दबाया और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने नाम लिख दिया किसका, हमने नाम लिख दिया अमित कुमार का। तो हमने नाम डाल दिया अमित कुमार और इसके अंडर ग्रुप में भी अब हमने F3 बटन दबाया और हमने लिख दिया भाई ये कौन है, जॉब वर्कर है क्या, और इसके अंडर ग्रुप में डाल दिया सिंडिकेटर। जॉब वर्कर का मतलब होता है यहाँ पर काम करने वाले लोग जिससे हम जॉब वर्क करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बिल बाय बिल डिटेल को भी फिलहाल नो कर देना है और यहाँ पर आप इसको F2 से सेव कर दोगे। अब यहाँ पर देखा आपने दो चीज़ें आ गई आपके पास, एक तो आ गया क्या नाम, अमित कुमार, और एक आपने यहाँ पर अमित कुमार यहाँ भी बना दिया। सर हमने दो दो बार अमित कुमार क्यों बनाया, तो देखो दो बार हमने अमित कुमार इसलिए बनाया, पहली बार जो हमने ये अमित कुमार बनाया है इसका ऊपर वाला पार्ट, ये बनाया हमने इसका मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर का मतलब है गोडाउन, यानी कि हमने जितना भी इसको मटेरियल दिया वो हमको मालूम रहेगा कि हमारा कितना मटेरियल इसके पास रखा हुआ है। दूसरा ये क्या करेगा, उस मटेरियल से आइटम भी तो बना कर देगा, और जब ये काम करके देगा हमको कोई पीस बना कर देगा तो हमें इसके बदले में क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा क्या कहलाएगा, जॉब वर्क कहलाएगा यहाँ पर। तो हमने कहा इसलिए हमने इसका एक अकाउंट बनाया है और एक हमने यहाँ पर बनाया है इसका गोडाउन। गोडाउन से मालूम रहेगा कितना मटेरियल पड़ा हुआ है और इस अकाउंट से मालूम रहेगा कि हमें इसे कितना पैसे देने हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ओके किया, सेव कर दिया। और मटेरियल हमने कहाँ पर रखा था परचेज करते वक्त, मेन स्टोर में। अब आइटम हमने यहाँ पर क्या बनाई, तो आइटम ने बनाई बाबू सूट 01। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, F3 बटन दबाएंगे और लिख देंगे बाबू सूट 01। और यहाँ पर अब हम F3 बटन दबाएंगे, लिख देंगे फिनिश गुड्स, और ये हमारा रहेगा जनरल में। अब हमने यहाँ पर देखो फिनिश गुड्स इसलिए डाला क्योंकि ये आइटम हम आगे बनाकर ही सेल करेंगे। और किस में बनाया हमारा, पीसीस के अंदर, तो हमने पीसीस डाला। और कोई चीज़ नहीं करनी आपको, डायरेक्ट F2 करके सेव करना है, फिनिश गुड्स डालना है। तो फिनिश गुड डाला हमने और उसके बाद अब आपको आगे क्या करना है, कहता है कि भाई आप इस आइटम को बनाने में क्या क्या आइटम आपकी कंज्यूम करी गई हैं। तो हमने कहा जो हमारा कंज्यूम हुआ है, एक तो क्लॉथ 01, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, क्लॉथ 01 कितना, तो हमारा कितना कंज्यूम हो गया, 650। तो हमने यहाँ पर डाल दिया 650। और उसके बाद फिर क्या दिया गया है, कहता है कि एक चैन एक पीस में लग रही है, नहीं ये तो हमारा कम लगा है ना 270, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 270। और चैन कितनी लगी है, तो कहता है 1 चैन इन 1 पीस, एक पीस में एक चैन लगी है, तो चैन हमारी कितनी हो गई, 650। तो यहाँ पर देखो जैसे कि मैं चैन डाल रहा हूँ यहाँ पर, और चैन का स्टॉक डालते हैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है। नेगेटिव क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर डेट गलत डाली है। डेट हम यहाँ पर ठीक करेंगे तो स्टॉक हमारा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा यहाँ पर। बहुत सारे लोग यही गड़बड़ करते हैं डेट वाली, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चैन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, अब कहता है 4 बटन इन 1 पीस, एक पीस में आपके 4 बटन लगते हैं, और कितने बने यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 650 मल्टीप्लाई 4 2600। और क्या लगा हमारा, कहता है 1 मीटर 1 पन्नी इन 1 पीस, तो कितनी लग जाएगी हमारी, 650।
अब उसके बाद फिर क्या था अस्तर, तो अस्तर डाला आपने, और अस्तर कितना लगा है, कहता है कि भाई अस्तर जो लगा है आपका एक मीटर अस्तर 4 पीस में लगा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, F10 बटन 650 डिवाइड बाय 4, 162.50, और क्या लगा है आपका, अब कहता है 1 kg रिपीट इन 20 पीस, तो यहाँ पर आपने लिखा रिपीट, और इसके लिए भी आपने क्या किया 650 डिवाइड बाय 20, तो 32.50। सर इसके अंदर थोड़ा अलग अलग क्यों दे रखा है, देखो बहुत सी जगह तो आपको क्या दे रखा है इसके अंदर कि भाई सिंपल एक पीस का दे रखा है, और कुछ जगह बोला है कि भाई आपका एक पीस का नहीं दे रखा, वहाँ पर एक क्वांटिटी दे रखी है, और क्वांटिटी के अंदर बताया है कि इतने क्वांटिटी को बनाने में इतने पीस यूज़ किए जा रहे हैं। जब इस तरह का बताया जाए कि इतने पीस के लिए इतने पीस यूज़ किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। जैसे कि आपका 1 chain in 1 piece, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, आपने सीधा डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया 650, 4 button in 1 piece, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया 1 meter अस्तर, अब 1 meter अस्तर 4 पीस में लग रहा है, तो हमारा 1 पीस में कितना लगेगा 0.525, तो हमारा पीस कितने बन गया 650, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अब 650 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आपका सेम वही आएगा, या आप डायरेक्ट 650 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसको, 4 को डिवाइड कर देंगे, तब भी आपकी क्वांटिटी सेम आ जाएगी। अब उसके बाद 1 pannee in 1 piece, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरा 1 kg रिपीट इन 20 पीस, तो यहाँ पर हमने क्या करा 650 डिवाइड बाय 20, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आ गया, अब हमारा निकल के आ गया टोटल रॉ मटेरियल, और टोटल रॉ मटेरियल का अमाउंट कह रहा है कि आप जो 650 पीस आपने बनाए हैं, उस 650 पीस को बनाने में जो हमारा खर्चा आ गया, वो खर्चा आ गया 28,708 रुपये, कितने पैसे, 78 पैसे। तो यहाँ पर अब देखोगे आप पर पीस की कॉस्ट क्या आ गई हमारी, कहता है कि अब आपकी जो पर पीस की कॉस्ट आ गई वो 44 रुपये, कितने पैसे आ गए, 44 रुपये 17 पैसे। अभी 44 रुपये 17 पैसे हमारा सिर्फ क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल ही लग रहा है 44 रुपये 17 पैसे का। इसके अंदर अभी हमारा जो काम करने वाला पैसा है वो शामिल नहीं है। काम करने वाला पैसे से क्या मतलब है, यानी कि जिससे हम काम करवाएंगे वो भी तो यहाँ पर पैसे लेगा, तो उनके पैसे भी हम क्या करेंगे अभी इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देंगे, उसके बाद हमारी रियल कॉस्ट निकल कर आएगी। अभी तो हमारा सिर्फ वो सिर्फ क्या आ रहा है, मटेरियल की कॉस्ट आ रही है 44 रुपये 17 पैसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, पहला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें आगे करना है बाबू सूट 02, तो हमने ये बनाया डेट 12 में, और इसको बनाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला कटिंग मास्टर अनिल हैगा। तो हमने यहाँ पर F3 बटन दबाया और नाम लिख दिया कटिंग मास्टर अनिल, और इसके अंदर ग्रुप में डाल दिया प्रोडक्शन फ्लोर, यस किया, और F3 बटन दबा के क्या लिख दिया हमने, कटिंग मास्टर अनिल, और अंडर ग्रुप में सेम आपका वही रहेगा क्या, जॉब वर्कर। और अब आप इसको F2 बटन दबाकर सेव कर दोगे, यहाँ पर हम डालेंगे मेन स्टोर, फिर दोबारा वो यहाँ पर हम F3 बटन दबाएंगे, लिख देंगे बाबू सूट 02, और इसके अंडर ग्रुप में हम रखेंगे फिनिश गुड्स, और किसके अंदर, पीस के अंदर, और अब आपने F2 बटन दबाकर सेव किया, और यहाँ पर अब हमारे पीस कितने बने, तो कह रहा है जनरेट क्वांटिटी। जनरेट क्वांटिटी का मतलब है कि हमने कितने पीस बनाए यहाँ पर, तो पीस हमने बनाए 130, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 130, और इसको बनाने में अब क्या क्या मटेरियल लगा है आपका, तो कहता है कॉटन शर्ट फैब्रिक जो आपने ख़रीदा था वो आपका कितना कंज्यूम हो गया, 280, तो यहाँ पर आपने लिख दिया कॉटन शर्ट फैब्रिक, और कितना लिख दिया 280, और उसके साथ साथ और क्या लगा है, कहता है 1 chain in 1 piece, एक पीस में एक चैन भी लगी है आपकी, तो पीस कितने बने 130, तो 130 चैन ही लग जाएगी। उसके बाद फिर कहता है कि 4 button in 1 piece,
अब एक पीस में चार बटन भी लग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे 130 मल्टीप्लाई 4, तो आपके 520 बटन लग जाएंगे। उसके बाद फिर क्या दिया गया है आपको, फिर कहता है 1 मीटर अस्तर इन 6 पीस। अब 1 मीटर जो अस्तर है वो कितने पीस में लग रहा है हमारा, 6 पीस में लग रहा है। तो यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, 130 डिवाइड बाय 6, तो 21.67। और उसके बाद क्या लग रहा है हमारा, 1 पन्नी इन 1 पीस, पॉलीथीन लग गई पैक करने के लिए, तो 130 पॉलीथीन आ गई हमारी। और उसके बाद क्या लगा है, उसके बाद कहता है 1 kg repeat in 20 पीस, तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, रिपीट। और 1 kg repeat कितने पीस में लगा आपका, 20 पीस में लगा यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, अब दोबारा आप क्या करोगे, F10 बटन दबाओगे और यहाँ पर लिख दोगे आप क्या, 130 डिवाइड बाय 20 है, हाँ 20 है, तो 6.50। अब हमारा जो टोटल खर्चा आ गया कितना, 42,371.05। तो अब एक पीस की जो कॉस्ट आ गई हमारी 325.93 का एक पीस को बनाने में रॉ मटेरियल लग रहा है, तो हमने क्या करा, इसको सेव कर दिया। उसके बाद आगे हमने बनाया बाबू सूट 03, तो ये बनाया हमने डेट 13 तारीख की डेट में। बनाने वाला नाम क्या है, अमित कुमार, तो अमित कुमार तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ ही था। यहाँ पर रखेंगे हम मेन स्टोर, आइटम क्या बन रही है, बाबू सूट 03, तो यहाँ पर हम दोबारा F3 बटन करके बनाएंगे बाबू सूट 03 फिनिश गुड्स, और किसके अंदर रहेगा, पीसेस में। सेव करने के लिए क्या करेंगे, F2 बटन दबाएंगे, और कितनी क्वांटिटी है इसकी, हमने क्वांटिटी बनाई 450। और इसको बनाने में हमारा क्या मटेरियल लगा, अब कहता है शर्ट क्लॉथ लगा आपका, तो आपने डाल दिया शर्ट क्लॉथ, कितना लग गया आपका 550। और क्या लगा आपका, अब इसके साथ लगा 1 chain in 1 piece, तो चेन आ गया आपका कितना 450। उसके बाद फिर क्या दिया गया, 8 बटन, हाँ नहीं 450 पीस ही तो बनने हमारे, जनरेट पीस कितने होने 450, और इसको बनाने में जो हमारा कपड़ा लग रहा है कंज्यूम वो लग रहा है 550। ठीक है, तो 1 chain in 1 piece कितनी जाएगी 450, और आगे क्या लग जाएगा हमारा, 8 button in 1 piece। अब एक पीस में देखो 8 बटन लग रहे हैं, तो पीस कितने बनने हमारे 450 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 8, तो 3600। और क्या लग रहा है, तो कहता है 1 meter अस्तर इन 9 piece, अब अस्तर भी लग रहा है हमारा, कितना लग रहा है 450 डिवाइड बाय 9, 50 meter अस्तर लग गया, और 1 pannee in 1 piece कितने लग गए पॉलीथीन आपकी 450। और क्या लगा आपका, तो यहाँ पर क्या था, आप 1 kg repeat in 10 piece, तो यहाँ पर आपने डाल दिया रिपीट, और कितने पीस बने आपके 450, तो कितना लग जाएगा रिपीट भी आपका 450 डिवाइड बाय 10, 45 kg हमारे यहाँ पर रिपीट लग गया। और अब हम यहाँ पर ये डाल लेंगे आइटम 51,720.35। अब एक पीस की हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ गई निकल के, 114.93, और ये सारे का सारा हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मटेरियल डाल दिया। ठीक है, और अब F2 से सेव कर देंगे। उसके बाद अब आगे क्या दिया गया है, अब आगे दिया गया है यहाँ पर बनाने के लिए बाबू सूट 04। अब ये बनाया हमने डेट 14 में, और नाम क्या है बनाने वाले का, अनिल कुमार, तो F3 बटन दबाया और हमने लिख दिया अनिल कुमार। और कैसे बनाया ये, प्रोडक्शन फ्लोर, यस किया आपने, F3 बटन दबाया और लिख दिया क्या, अनिल कुमार। और इसके अंडर ग्रुप में हम क्या डालेंगे, अंडर ग्रुप में रहेगा जॉब वर्कर,
और सेव करने के लिए आप क्या करोगे, F2 बटन दबाओगे और कहाँ पर, मेन स्टोर से बनाया किसने, क्या आइटम बनी, बाबू सूट 04, तो F3 बटन दबाया, क्या लिख दिया आपने, बाबू 04, और ये रहेगा हमारा फिनिश गुड्स पीसीस के अंदर, और सेव करने के लिए F2 बटन दबाया। कितने पीस बने हमारे, तो कह रहा है कि जो आपके पीस बने 375 बने, तो 375 डाला और फिर नीचे क्या डाल दिया हमने, अब इसको बनाने में जो जो हमारा सामान लगा है वो डालेंगे। तो क्या क्या लगा है हमारा, तो कहता है शर्ट क्लोथ कौन सा 46, कितना लग गया, कहता है ये लग गया आपका 650, और क्या लगा आपका 2 चैन इन 1 पीस। अब एक पीस में देखो दो चैन लग रही हैं, तो कितनी लग जाएंगी, 375 गुणा 2, 750 चैन लग गई, और क्या लगा, अब कहता है 8 बटन इन 1 पीस, एक पीस में हमारे 8 बटन लग रहे हैं, तो कितने लग जाएंगे टोटल हमारे, तो यहाँ पर 375 मल्टीप्लाई 8, 3000 हमारे बटन लग गए, और क्या लगा, अब कहता है 1 मीटर अस्तर इन 2 पीस, अब 1 मीटर अस्तर कितने पीस में लग रहा है, 2 पीस में लग रहा है, यानी कि आधा एक पीस में, तो यहाँ डाल दिया आपने अस्तर, और यहाँ क्या कर दिया आपने 375 डिवाइड बाय 2, 187.50, और क्या लगेगा, अब कहता है 1 पन्नी इन 10 पीस, एक पीस में 10 पन्नी लग रही है, तो यहाँ पर कितनी लग जाएगी, और आगे क्या लग रहा है आपका, अब लग रहा है आपका 1 kg रिविट इन 12 पीस, तो रिविट डाल दोगे आप, और यहाँ पर क्या करोगे 375 डिवाइड बाय, तो 31.25 आपका रिविट आ गया, और टोटल जो कॉस्ट आ गई वो 31,439.06। अब हमारा जो एक प्रोडक्ट तैयार हुआ कितने रुपए का तैयार हो गया, 83.84। तो ये अभी हमने इसका पहला काम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। अभी जो हमने क्या करा, अभी सिर्फ और सिर्फ ये काम किया गया है कटिंग के लिए, यानी कि जो गारमेंट बनना है उसके लिए अभी हमने क्या करा है, कटिंग वाला प्रोसीजर पूरा किया है, उसके बाद हम आगे आप लोगों के पास भेजेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ी रिपोर्ट दिखाता हूँ, तो जो जो हमने काम किया है अभी तक उससे रिलेटेड रिपोर्ट। तो एक हमने बनाया स्टॉक, स्टॉक स्टेटस में आप आओगे, बैलेंस ओनली और ऑल MC ग्रुप ऑफ आइटम करोगे, और यहाँ पर अगर फिनिश गुड्स डालोगे तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपने आइटम बनाई है वो सारी की सारी आइटम आ गई आपके पास, कितने कितने पीस बनाए आपने वो, और उस पीस को जो बनाने में आपका जो एक्चुअल में कॉस्ट आई है वो निकल के आ गया। तो देखोगे आप, तो बाबू सूट 1 बनाया था 44 रुपये, 2 बनाया था 325 रुपये, और 3 बनाया था 114 रुपये, और 4 बनाया था 83.84। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी देखेंगे, बैलेंस ओनली, और बैलेंस ओनली के अंदर अगर आप डिटेल में आएंगे, ग्रुप ऑफ आइटम करेंगे, और यहाँ पर ऑल MC, और यहाँ पर अगर आप फिनिश गुड्स डाल देंगे तो यहाँ पर अब आप देखोगे ये सब सामान आ जाएगा आपके पास, क्या क्या पड़ रहा है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और है, कॉलमर रिपोर्ट, कॉलमर रिपोर्ट में ग्रुप ऑफ आइटम, और ग्रुप ऑफ आइटम में फिनिश गुड डालो, और फिनिश गुड डालोगे ना तो यहाँ पर अब आप देखोगे, क्या देखोगे, बाबू सूट 01 किसने बनाया था, अमित कुमार ने, तो क्या पड़ा हुआ है ये, अमित कुमार के गोडाउन, अमित कुमार के पास ये मटेरियल पड़ा हुआ है। 2 किसने बनाया था, कटिंग मास्टर अनिल ने, तो अनिल वाले के पास पड़ा है। 3 किसने बनाया था, अमित कुमार ने, तो अमित कुमार के पास पड़ा है। 4 किसने बनाया था, अनिल कुमार ने बनाया था, तो अनिल कुमार के पास पड़ा हुआ है। यानी कि हमारा सारा मटेरियल ये अलग अलग लोकेशन पर हमारे पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल को कंज्यूम कर उससे फिनिश गुड्स बनाना है। बाकी हमारी कल नेक्स्ट क्लास होगी, और नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे इसको ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा।